हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू केपीएम लर्निंग इंस्टीट्यूट। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास एट्थ की मैथ का चैप्टर फर्स्ट, इसका नाम है रेशनल नंबर। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर वन यानी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो एकदम आसान सा क्वेश्चन, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में जो हमने पढ़ लिया है अभी तक, उनके बारे में हम जानेंगे। फिर से वो सारे कॉन्सेप्ट हमको इसी क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएंगे, जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सीखिएगा हमारे साथ, तो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और आते हैं टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 10, क्या कह रहा है, राइट, लिखना है। क्या लिखना है, इसका पार्ट फर्स्ट है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। यहां पर ऐसा रेशनल नंबर हमको लिखना है जिसका रेसिप्रोकल ही नहीं होता है, इसका रेसिप्रोकल ही नहीं होता है, तो वो रेशनल नंबर कौन सा हो सकता है। चलिए हम कुछ नंबर्स को ट्राई करते हैं। यहां पर अगर हम बात करेंगे जिसे 1 हो गया, क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 का जो रेसिप्रोकल होगा ये आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर 1 का जो रेसिप्रोकल होगा 1 होगा, तो 1 के पास तो रेसिप्रोकल ऑलरेडी है। अगर बात कर लें 2 की, किसकी बात कर लें, 2 की, तो 2 का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है, तो 2 का भी रेसिप्रोकल हो गया। तो यानी कि ये इन सब नंबर्स के बाद अपना खुद का रेसिप्रोकल है। अगर यहाँ पर एक हमारे पास ऐसा नंबर होता है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है, और वो कौन सा नंबर है, वो नंबर है 0। यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे 0। क्या हो जाएगा, 0 एक ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। चलिए इसको हम प्रूव करते हैं कि कैसे नहीं होता है। तो यहाँ पर जो 0 होता है, 0 आपका 0 का हम 0/1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 0/1 कर सकते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे इस लाइन से, इस साइड से, तो 0 को हम 0/1 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अगर इसका हम रेसिप्रोकल लिखेंगे, इसका रेसिप्रोकल हम फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो सकता है, तो रेसिप्रोकल बेसिकली क्या होता है, उसी नंबर का जस्ट अपोजिट, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहाँ भी वही प्रोसेस फॉलो करवाएंगे कि ये आपका न्यूमरेटर में 0 है और डिनोमिनेटर में 1 है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रेसिप्रोकल निकालने के लिए इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका, 1/0 हो जाएगा। ठीक, और जो कि 1/0 होता है, क्या ये रियली में ये रेशनल नंबर होता है, बिल्कुल नहीं होता है। जो 1/0 होता है ये रेशनल नंबर बिल्कुल नहीं होता है, इसको बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि जो 1/0 होता है, जो 1/0 होता है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है इन्फाइनाइट। क्या होती है, इन्फाइनाइट, मतलब ये डिटरमाइन इसको हम नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में है ना कि 1/0 क्या होता है, इन्फाइनाइट के इक्वल होता है, और इन्फाइनाइट तो आपका कोई रेशनल नंबर है नहीं, तो इसलिए ये हमारा जो 0 है इसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 0 का रेसिप्रोकल होना चाहिए 1/0, और जबकि यहाँ पर 1/0 आपका रेशनल नंबर है ही नहीं, तो ये आपका यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल हमने पार्ट फर्स्ट को कवर कर लिया है कि पार्ट फर्स्ट का जो आंसर होगा वो क्या होगा, 0 होगा, कि 0 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, ये रहा आपका पार्ट फर्स्ट। अब आते हैं हम पार्ट सेकेंड पर, पार्ट सेकंड क्या कह रहा है, द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। यहां पर हमको ऐसे रेशनल नंबर्स लिखने हैं जो अपने रेसिप्रोकल के ही इक्वल होता है। ओवरऑल यहां पर आप एक कॉमन चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि दोनों क्वेश्चन में रेसिप्रोकल की ही बात की गई है, दोनों क्वेश्चन में रेसिप्रोकल की बात की गई है। तो रेसिप्रोकल का कांसेप्ट तो हमको ऑलरेडी पता है, क्योंकि हमने आपको कई बार
वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है, कॉन्सेप्ट भी आपको इसका अलग सेपरेट कॉन्सेप्ट भी हमने बनाया है वीडियो, ठीक। तो चलिए अब हम आते हैं इसको चेक करते हैं कि ऐसे कौन से नंबर हैं जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर बात कर लें हम, जैसे कोई भी नंबर ले लेते हैं, जैसे 2 ले लें, क्या ले लें, 2। अगर 2 का हम रेसिप्रोकल निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 2 का रेसिप्रोकल, ठीक, 2 का रेसिप्रोकल निकालेंगे तो 1/2 आएगा, क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल। तो क्या ये 2 और 1/2 दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल नहीं है, 2 की वैल्यू अलग होगी, इसकी वैल्यू अलग होगी, तो ये दोनों इक्वल तो है नहीं, तो ये ऐसे नंबर नहीं है जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हैं। तो अब कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 ले लें, और 3 का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/3 होगा, 1/3, क्या ये 3 1/3 के इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं है, तो इसका भी रेसिप्रोकल, मतलब ये नंबर अपने रेसिप्रोकल के इक्वल नहीं है। तो कोई अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा आपका 3। तो अगर यहां पर हम 1 ले लें, क्या ले लें, 1 अगर 1 ले लेते हैं तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा ये होगा 1/1 होगा, क्या होगा, 1/1 होगा, और जो 1/1 है इसको सॉल्व करेंगे तो वापस से 1 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल होगा ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो एक नंबर हमको मिल गया, यहाँ पर नंबर्स की बात की है, यानी कि एक से ज़्यादा नंबर हैं, तो एक नंबर तो हमको मिल गया कि 1 जो है वो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। अब दूसरा नंबर लेते हैं, अगर हम यहाँ बात कर लें -1 की, क्या बात कर लें, -1 की, तो -1 का भी जो रेसिप्रोकल होगा, इसका जो रेसिप्रोकल होगा वो क्या होगा, वो 1/-1 हो जाएगा, और 1/-1 को सॉल्व करेंगे तो ओवरऑल ये भी -1 के इक्वल ही होगा। तो यानी कि -1 का भी जो -1 है ये भी अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो यानी कि हमको यहाँ पर ओवरऑल 2 नंबर्स मिल गए जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हैं। वो कौन कौन से नंबर्स हैं, वो 1 है, 1 आपका अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है, और -1 भी अपने रेसिप्रोकल के इक्वल है, ठीक है। तो हमने यहां पर 2 नंबर फाइंड आउट कर लिया ओवरऑल जो अपने रेसिप्रोकल के इक्वल हैं, ठीक है। तो यहां पर आप फाइनली आंसर में लिखेंगे, आंसर हो जाएगा आपका, आंसर वुड बी -1 एंड 1, ये आपका हो जाएगा आंसर, कि जो -1 और 1 हैं ये अपने रेसिप्रोकल के इक्वल होंगे, क्लियर। तो ये आपका सेकंड पार्ट भी एकदम आसानी से कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव करते हैं पार्ट थर्ड पर। पार्ट थर्ड क्या कह रहा है, द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स निगेटिव, एक ऐसा रेशनल नंबर हमको फाइंड आउट करना है जो अपने ही निगेटिव के इक्वल हो, अपने नेगेटिव क्या हो, इक्वल हो। तो आइए हम इसको भी इजीली फाइंड आउट करते हैं। चलिए, तो हमको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो अपने रेसिप्रोकल क्या हो, अपने नेगेटिव के इक्वल, सॉरी रेसिप्रोकल के इक्वल नहीं, नेगेटिव के इक्वल हो। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं जैसे 2 के, क्या बात कर लें, 2, एक एग्जांपल लेते हैं इजी में, जैसे आपका नंबर हो गया 2, जैसे 2 हो गया, ठीक, 2, तो क्या ये आपका 2 जो है, ये 2 का जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, -2 होगा, क्या होगा, -2 होगा। तो क्या ये 2 और -2 दोनों इक्वल होंगे, बिल्कुल भी इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अगर 1 की बात कर लें तो 1 का जो नेगेटिव होगा वो क्या होगा, -1 होगा, तो ये भी इक्वल नहीं है। तो अब हमको ऐसा रेशनल नंबर निकालना है जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे, कौन सा नंबर हो सकता है। अगर हम 0 की बात कर लें, किसकी, 0 की बात कर लें, तो जो 0 का नेगेटिव होता है वो आपका 0 ही होता है, क्या होता है, 0, क्योंकि 0 के सामने ना तो प्लस को लिखा जाता है और ना ही माइनस को लिखा जाता है, क्योंकि 0 जो होता है आपका वो न्यूट्रल होता है, ना ही प्लस में होता है ना ही माइनस में होता है। तो इसीलिए जो 0 है ये अपने नेगेटिव के ही इक्वल होगा, ठीक है।
तो ओवरऑल यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो। एक जीरो एक ऐसा रेशियो नंबर है जो अपने नेगेटिव के इक्वल है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 ओवरऑल कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमने कवर किया कि पहले पार्ट में कि ऐसा रेशियो नंबर बताइए कि जिसका रेसिप्रोकल ही ना होता हो, तो वो हमने नंबर फाइंड आउट किया जीरो, जीरो का रेसिप्रोकल नहीं होता है। फिर दूसरा पार्ट सेकंड में ऐसे रेशियो नंबर्स लिखने थे जो अपने ही रेसिप्रोकल के इक्वल हो, तो माइनस वन और वन हो गया ओवरऑल। फिर उसके बाद ऐसा रेशियो नंबर जो अपने नेगेटिव इक्वल हो, वो भी हमने क्या फाइंड आउट किया, जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से ये एकदम इजी सा एकदम इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और हमने इसको कवर कर दिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। इजी वे में हमने पूरी कोशिश की है कि ये क्वेश्चन आपको एकदम आसानी से एकदम बेसिक एकदम सरल से सरल भाषा में समझा दें। ठीक है, तो समझ में आया होगा आई होप आपको क्वेश्चन। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।